है कि चाल फरेब धोखाधड़ी और 420 सी आदमी करता है, लेकिन आज के युग में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी में देखने को मिला, जहां पति से विवाद क्या हुआ कि उसके वेतन में आधा हिस्सा कराने के नाम पर 420 एक महिला पीड़ित महिला को बहला फुसला कर गाँव से मैनपुरी शहर ले आई और उसे पहले तो बंधक बना लिया। इसके बाद वह कलेक्ट्रेट जहां बैनामा लिखा जाता है वहां ले गई, फोटो खिंचवाया और पति के खिलाफ दावा दायर करने के नाम महिला से अंगूठा लगवा लिया और उसके नाम 4 बीघा जमीन का बैनामा करा दिया। इतना ही नहीं, बैनामा कराने से पूर्व एक पार्क में अन्य 4 साथियों के साथ मिलकर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया, जिससे वह सब कुछ करने के लिए राजी हो गई। उक्त महिला कोई और नहीं, उसी की सभी संबंधी निकली। जी हाँ, होश में आने के बाद जब पीड़ित महिला अपने घर पहुंची तो उसने पूरी कहानी अपने देवर और पुत्र को बताई। तब कहीं छानबीन करने पर पता चला कि उसकी 4 बीघा भूमि का बैनामा करा लिया गया है। दरअसल पीड़ित महिला अपनी भूल को वापस करने के लिए आला अधिकारियों से गुहार लगा रही है। हालांकि इस संबंध में आला अधिकारियों ने उसे पूरा आश्वासन दिया है कि जांच कर उसकी जमीन वापस दिलाएंगे। इस संबंध में जब अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है और महिला को न्याय दिलवाया जाएगा। नाराजी कहाँ की रहने वाली है? कैथंगला की। अच्छा, आपका क्या विवाद चल रहा था पति से? बोली सेक्रेटरी वो काम आलम ले गई, लोहिया पार्क में नाश्ता पानी हुआ था वो मतलब जाए। अच्छा, कौन ले गई थी आपको? हेमा। हेमा कौन है? ये हेमा जेठौत बहू, आपकी सगी जेठौत बहू है जी। अच्छा, तो क्या कह के ले गई आपको यहाँ से? वो ऐसे कह के ले गई कि तुम्हारे पति के हाथ वेतन और फंड सब दवाई है और नाश्ता पानी लोहिया हम बहू और कही के कुछ नहीं होगा, 4 बीघा लिखा। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? वो बैंक में नौकरी करता। अच्छा, कहाँ करते हैं इस समय? फरकाबाद। अच्छा, तो विवाद पहले से चल रहा था? विवाद पहले से चल रहा था। अच्छा, तो हेमा ने क्या कहा? उसने ये कही कि आधा वेतन दबाएंगे, फंड न सब मिलेगा, खेती 4 बीघा लगा ले, लोहिया पार्क में नाश्ता वगैरह बहू, और फिर हमें नशा आएगा और निकलने दिया हुआ बंधक रखो के मार डालेंगे, कहोगी तो के समझ ले, और यहाँ जब आए तो देवर ने प्रचार पढ़ो और ऐसा होगा तब फिर जानी। अच्छा, तो दावा डलवा दिया था आपके ऐसे झूठा मूठा पति और का? मैं तो मानी ना कोर्ट कचहरी कहाँ पे, इतने कहाँ मतलब देहात के रहने वाले। तो कोई जानकारी नहीं मिली थी आपको? कुछ नहीं मिली। फोटो तो खिंचवाया था आपका? फोटो तो खींचे हैं। क्या कह के खिंचवाया था फोटो? उसने कही कह दो 4 बीघा बिक गई, हाँ कि पैसा मिलेगा, हाँ कह बीघा भी गई 4 बीघा, मैं कुछ नहीं मिला। अच्छा, तो क्या आपने बेची थी जमीन? अरे बेटा, मन नहीं बेची, हमारे नाम उनने कह दिया, हम क्यों बेचते, क्या कमी थी? अच्छा, वो जमीन आपके पति ने दी थी आपको? जी, 4 बीघा मूल्य का। हाँ, कहाँ रखा 5 दिन बंधक बना कर उन्होंने? मधु चौहान के यहाँ, और छठे दिन निकलने दो, अब तो कर गई वो आके। क्या ताले में बंद करते थे? जी। क्या कहते थे वो? हमने कही भी थी जैसे 14 गए यहाँ पे घर पे जाना, सुखे नहीं कैसा ऐसा के वो घूम चली जाती हेमा और हमें वहाँ बंद कर जाती ताले में। हाँ, अब कुछ कह दिए समझ ले, हमारे पीछे बता, हमारे अगर मरवा भी डरे तो हमें कैसे मिल जाएगा, पीछे लगाते ये खोखोबा लगा मेरे कपड़े में, बताओ कोई तरीका कोई जो है रहने वाले हो? नंगला का। अच्छा, ये बताइए हेमा कौन है आपकी, कैसे जेठानी लगती है ऐसी, मोहल्ले पड़ोस की है? अच्छा, ये हेमा कैसी है? कहूँ किसी का अपने पति को छोड़े, कहूँ किसी के संगे, कोर्ट मैरिज कर लेती, कहूँ किसी के संगे चली जाती, कोई उनको कोई वो नहीं है पता। अच्छा, अभी जो ना किन किन लोगों के साथ मैंने कोर्ट मैरिज कर ली? रामदास के संगे। अच्छा, दरोगा के संगे। दरोगा कौन था? दरोगा जो खेत लिखा होता है। अच्छा, तो मतलब जो है ना दरोगा कोई नौकरी करता है? ये हाँ, नौकरी करते, रिटायर हो गया। अच्छा, उसके साथ में भी कोर्ट मैरिज? हाँ। और पति के साथ में भी? पति के साथ में। पति कौन है दरअसल में वैसे? पति क्या नाम? साथ ब्याह साहब शादी करके लाए जी। हाँ, क्या नाम है? नेक सिंह। अच्छा, वो इसी गांव के हैं? हाँ। तो उनके अलावा और अन्य दो पति हैं इनके? हाँ। अच्छा, तो ये जमीनें भी लिखवा लेती है? हाँ, जमीनों लिखवा लेती है, नगरिया वाले रामदास की उन्होंने भी लिखा ली। अच्छा, और इधर वो खेते बेचवा दो। अच्छा, बहुत जगह संगे रह रहो। अच्छा, तो इसमें किसी की मौत भी हो चुकी है जमीन लिखवाने के बाद? नगरिया के लड़का रामदास के लड़का बड़े वाले, उसने आत्महत्या कर ली थी। हाँ। जमीन लिखवाने के बाद? हाँ। उन्होंने जमीन लिखवा ली? और जमीन लिखवा ली जाकर। हाँ। अच्छा, तो अभी जो ना एक और मामला आया है कि नारायण देवी की जमीन लिखवा ली इन्होंने? हाँ, जल्द इन्होंने लिखवा ली,
जबरदस्ती नारायण देवी। अच्छा क्या कहती हैं जो जमीनें लिखवा लेती हैं वो, और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, शिकायतें होती रहती हैं? पुलिस कोई नहीं सुनती है। क्या कहती क्या है वो? उसकी वजह जानकारी की वजह से, ज्यादा जानकारी है। हाँ, दरोगा से और सीओ से मिली हुई है। अच्छा, सबसे जबरदस्त सुनवाई ना वो थी। अभय कुशवाहा। अभय जी, क्या पूरा मामला है, पूरी बात बताइए। मामला ये है कि सर, मेरी माता जी नारायणी देवी और पिता राम महेश कुशवाहा के बीच में मुकदमा चल रहा था। हाँ। और उस मुकदमे को इसने हेमा देवी ने करवाया था, तो हेमा देवी ने मेरी माता जी को ये बताया कि हम तुम्हारा मुकदमा ऊंचा करवा देंगे, तुम हमारे साथ चलो। हाँ। तो ये उनके बहकावे में आके उनके उनके साथ चली गई, और वहाँ ये तहसील में ना जाके किसी मधु चौहान के यहाँ पे घर पे इनको 5 दिन बंधक रखा, और वहाँ इन्होंने नशे में कुछ खिला पिला दिया, नशीला कुछ। हाँ। और वहाँ पे फिर इन्हें अर्ध बेहोशी की हालत में इन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस ले गई, और वहाँ पर इन्होंने धमकी दी मधु चौहान ने, हेमा देवी ने, और 3 लोग सतीश चंद जिले दफेदा और मजीद खान और तनीस खान। हाँ। और इन लोगों ने धमकी दी कि हम तुम्हारे पति और लड़के को मार डालेंगे अगर। अच्छा। तुमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हाँ कहना है, कुछ ना नहीं करोगी। कितनी जगह थी आपकी? 4 बीघा। 4 बीघा थी। कितनी कीमत होगी? लगभग 1.5 करोड़। तो इसके बाद किसी आला अधिकारी में गए, क्या हुआ कि पुलिस के पास गए या किसी अधिकारी में गए? हाँ, तहरीर थी वहाँ पर, उन्होंने ये कहा कि हम आगे इसकी कार्रवाई देखेंगे, जाँच करवाएंगे। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।